नमस्कार, एमपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी। मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा आज शनिवार को दतिया जिले के अंगूरी बैराज पर पहुंचकर पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी केजी शुक्ला की विदाई समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये दतिया के शिक्षा विभाग की अच्छी परंपरा है, जो कि अधिकारी यहां से जाता है उसका सम्मान पूर्वक विदाई की जाती है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा 16 अगस्त को वन रक्षक चयन परीक्षा 2015 के निष्पक्ष एवं सुचारू संचालन के लिए रायसेन के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में रायसेन अपर कलेक्टर SB सिंह, संयुक्त कलेक्टर बूटा सिंह इवने तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रमोद सोनकर द्वारा केंद्राध्यक्षों, सहायक केंद्राध्यक्षों, पर्यवेक्षकों तथा संबंधित अनुविभाग अधिकारियों को परीक्षा के संचालन के संबंध में व्यापम द्वारा जारी दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई। प्रदेश में 1 अगस्त 2015 से दस्तावेजों का ई पंजीयन जरूरी हो गया है। संपदा ई पंजीयन के परिपेक्ष में महानिरीक्षक पंजीयक ने बैंकों के पक्ष में निष्पादित इक्विटेबल मार्टेज दस्तावेजों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया स्पष्ट की है। पहला विकल्प ये होगा कि इक्विटेबल मॉर्टगेज के दस्तावेज को संपदा एप्लीकेशन में तैयार कर उसका ई पंजीयन करवा लिया जाए। ऐसी स्थिति में दस्तावेज पर प्रभार स्टाम्प शुल्क का भुगतान ई स्टाम्पिंग द्वारा किया जा सकेगा। गौरतलब है कि रजिस्ट्रीकरण फीस सारणी के अनुसार इक्विटेबल मॉर्टगेज से संबंधित दस्तावेज की रजिस्ट्री के लिए मात्र ₹1,000 रजिस्ट्रीकरण फीस निर्धारित की गई है। 23 अगस्त को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जा रही सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2015 के लिए जिला प्रशासन ने अधिकारियों की जिम्मेदारियां सौंपी है। जबलपुर में 19 केंद्रों पर यह परीक्षा होगी। अपर कलेक्टर और कोऑर्डिनेटर सुपरवाइजर छोटे सिंह ने बताया कि 23 अगस्त को जबलपुर के विभिन्न केंद्रों पर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा के प्रश्न पत्रों को सुरक्षित पहुंचाने एवं परीक्षा केंद्रों पर शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सहायक कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए गए हैं। ये अधिकारी केंद्र सुपरवाइजर को सहयोग करेंगे। तो MP लाइव के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए MS TV। नमस्कार।